गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्री फायर डाउनलोड कैसे करें। अगर आप प्ले स्टोर से फ्री फायर को डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं तो प्ले स्टोर से फ्री फायर डाउनलोड नहीं होता है। प्ले स्टोर पर जब आप सर्च करते हैं तो वहां पर आपको फ्री फायर मैक्स दिखाई देता है। फ्री फायर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि फ्री फायर अब इंडिया में बैन हो चुका है। और इस बैन एप्लीकेशन को फ्री फायर को आप इंडिया में रहते हुए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, इसका मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर दो एप्लीकेशन अवेलेबल है, एक फ्री फायर मैक्स है और ऑलरेडी मैं यहां पर फ्री फायर को डाउनलोड कर चुका हूं। आप यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर ओरिजिनल फ्री फायर है वो मैंने ऑलरेडी अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है। अब आप इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फ्री फायर, मैंने यहाँ पर सर्च किया फ्री फायर, तो आप यहाँ पर फ्री फायर सर्च करने के बाद देख सकते हैं अभी यहाँ पर फ्री फायर सर्च करने के बाद फ्री फायर मैक्स आ रहा है, फ्री फायर शो नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर गूगल क्रोम में सर्च करता हूँ फ्री फायर, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को एक बार ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया फ्री फायर, तो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स आ चुका है। लेकिन यहाँ पर गूगल क्रोम में भी मुझे यहाँ पर फ्री फायर का जो ओरिजिनल वर्जन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे चेंजेस करके थोड़ा सर्च करता हूँ, डाउनलोड लिख के सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल क्रोम में मुझे ओरिजिनल फ्री फायर भी दिख चुका है और जो फ्री फायर मैक्स है वो भी दिख चुका है। अब यहाँ पर अगर क्रोम ब्राउजर के थ्रू आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाता है और प्ले स्टोर से भी आप फ्री फायर को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में बैन है, तो आप इजीली से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। फ्री फायर ओरिजिनल डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने की जरूरत है, कुछ ट्रिक अपनाने की जरूरत है जिससे आप इंडिया में रहते हुए भी फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाना है। अपने ब्राउजर में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे फ्री फायर। जैसे ही आप यहाँ पर फ्री फायर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया तो काफी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। ऊपर के जो प्ले स्टोर वाले लिंक है इन्हें आपको इग्नोर करना है, नीचे आपको स्क्रोल करना है और आपको एक साइड दिखाई देगी एपीके पुर, आपको यहाँ पर एपीके पुर पर टच करना है और यहाँ पर इस साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री फायर अवेलेबल है। लेकिन आपको क्रोम ब्राउजर में डायरेक्ट फ्री फायर को डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पर एपीके पुर का जो एप्लीकेशन है इसका भी आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, आपको सबसे पहले एपीके पुर ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी फ्री फायर का जो लिंक है वो हमें शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर एपीके पुर को डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके होम पेज में आएंगे और होम पेज में आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड एपीके पुर ऐप पर टच करना है क्योंकि हमें यहाँ पर पहले एपीके पुर ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हमारे फोन में एपीके पुर एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले ही मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। जो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है। अब जो पहले से एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर रखा है इसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अब मैंने एपीके पुर को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है और स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ओपन पर टच करने के बाद एपीके पुर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर कुछ फ्लोटवेयर एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा, आप यहां पर इसे कट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहां पर सर्च ऑप्शन में सर्च करना है फ्री फायर। जैसे आप यहां पर फ्री फायर सर्च करेंगे तो मैं यहाँ पर फ्री फायर सर्च करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर फ्री फायर का जो ओरिजिनल ऐप है वो आ चुका है। अब आपको यहाँ से फ्री फायर को डाउनलोड कर लेना है, ओरिजिनल फ्री फायर आसानी से आपके फोन में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन में ओरिजिनल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।